एच आर ए से एच एस आर ए बनना इट इज नॉट अ बिग डील अगर हम उसको हम बहुत नेवली सोचें ऐसे समय पे जिस समय सीआईडी आपके पीछे हो सकती है एक गुप्त आंदोलन आप चला रहे हैं उस गुप्त आंदोलन के बीच आप उन गुप्त क्रांतिकारियों के बीच फिरोज शाह कोटला में एक मीटिंग बुला रहे हैं और उस मीटिंग में एच आर ए का नाम एच एस आर ए जोड़ रहे हैं जस्ट टू दैट वर्ड सोशलिज्म टू इंश्योर दैट वी वर्क एज समाजवाद टू इंश्योर दैट वी वर्क टूगेदर टू इंश्योर दैट वी वर्ड

ठाकुर रोशन सिंह ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा जज ने गुस्से में आके तहसील में आके साफ की तो मैं भी फांसी होगी एंड 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 ही विल बी डेटेड ऑन दिस 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 पर्टिकुलर नोट स्माइलिंग फॉर कॉज साहब आई एम गोइंग टू डेडिकेट साई लाइफ फॉर दिस नेशन नाउ दिस इज हाउ सोशलिज्म वर्क जैसे हमने बात करी एच आर ए से एच एसरे समाजवाद का जो टर्म जोड़ा वो भगत सिंह साहब ने जोड़ा ठाकुर रोशन सिंह ने उसको अस्तित्व में ले है ना अस्तित्व में लाना इंपॉर्टेंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बख्शी साहब भी थे सान्याल भी थे और भी क्रांतिकारी थे आगे पीछे ठाकुर रोशन सिंह ने इस चीज को विजुअलाइजेशन में लेकर आएगी साहब फांसी दे रहे हो तो हम भी जाएंगे हम अपने मित्रों को छोड़कर नहीं जाएंगे ठाकुर रोशन सिंह राइट्स एंड नोट्स की अबे तुम मेरे से छोटे हो साहब तुम सब मेरे से छोटे हो तुम छोटे लोग जितने भी उम्र में तुम लोगों को फांसी हो जाएगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी मेरे घर वाले क्या बोलेगे राष्ट्र वाले क्या बोलेगेट पर्सनली मतलब वो ऑफेंस ले लिया था उन्होंने कि मुझे फांसी की कलम नहीं सुनाई की मेरी बदनामी हो जाएगी अगर मेरे साथ तुम लोगों की फांसी नहीं हुई और अंतता हुआ भी यही कि 19 दिसंबर सन 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी होती है अलग अलग जेल्स में हालांकि राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी दो दिन पहले होती है दैट इज इज ऑफ ऑफ दिसंबर लाहिड़ी लाहिड़ी साहब साहब का क्या क्या व्यक्तित्व है उनका वन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर अगेन इन द काकोरी एक्शन देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना हम पेंसिल से लिख रहे होते हैं हम पेंसिल से लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं कभी कभी हमारी राइटिंग धीरे हो जाती है कभी कभी हमारी राइटिंग थोड़ी स्लो हो जाती है कभी कभी हमारी राइटिंग बहुत डार्क हो जाती है कभी कभी हमारी राइटिंग बहुत लाइट हो जाती है राजेंद्र लाहिड़ी वॉज द परफेक्ट पेंसिल फॉर एच आर ए राजेंद्र लाहिड़ी यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्रचारक ऑफ सोशलिज्म स्पोक्स पर्सन यस वेन एवर वी स्पोक अबाउट सोशलिज्म इन एच आर ए राजेंद्र नाथ लाहेड़ी हैज टू बी डिराइव अबाउट हैज टू बी टॉक्ट अबाउट जिसको कहते हैं ना कि एक्सरसाइज में इंसान की क्षमता दिखती है दल की क्षमता दिखती है विचार से जो सबसे वैचारिक आदमी था दैट वॉज राजनाथ लहेड़ी द मैन कैन डाई बट नॉट आइडियाज यस जब जब बात बिस्मिल की होती है बिस्मिल से हम क्या जुड़ते हैं बिस्मिल से हमें सरफरोशी की तमन्ना है, मिलती है बिस्मिल से हमें वॉर क्राइम मिलती है बिस्मिल से हमें प्रेरणा मिलती है लेकिन उस प्रेरणा का आधार जो है दैट इज राजेंद्र नाथ लाहेड़ी जो शब्दों में उसे बयां कर कर लोगों तक पहुंचाते हैं यस लाइक जैसे मैंने उससे पहले युवा बताई अनसंग और अनकहा अगर कोई इंसान ये बोलता है कि राजेंद्र नाथ लहेड़ी अनसंग

एक्शन ओरियंटेड मैन एक्शन ओरियंटेड मैन एंड एच आर ए वर्क विद एक्शन ओरियंटेड मैन हालांकि देखिये जब जब हम एच आर ए की बात करते हैं एच एस आर ए की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वी ऑलवेज गेट अब दोगलेबाजी भी हुई धोखेबाजी भी हुई लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था कि काकुरी का पूरा का पूरा कांड हुआ हमने खजाना लूटा एक्शन हुआ yes. उसके बाद में ऑब्वियसली सब अंडरग्राउंड हो गए होंगे कोई एक्टिविटी नहीं सब अपनी अपनी जगह जाइए जहां पर भी हो सकता है स्टे लोकी स्टे अंडरग्राउंड और कुछ दिन तक गायब हो जाइए सिर्फ एक इंसान नहीं पकड़ा गया चंद्रशेखर आजाद पंडित चंद्रशेखर आजाद द दैट बिहाइंड दैट मेड लीडर्स ऑफ कम कमंडर द रेडार ऑफ ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म एंड वाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद साहब उनके हाथ में नहीं आ सके ये दो पहलू मैं समझना चाहूंगा देखिए अभी हमने काकुरी एक्शन की बात करी काकोरी एक्शन संयोजित एक्शन था कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे खबर मिलती है ऑल ऑफ आर जितने भी लोगों को फांसी होनी थी दैट वॉज टू बी डन नाउ द बिगेस्ट पॉइंट वॉज विद एच आर ए कि अब दल को बाकी संगठित कैसे करें हु वॉज टू टेक दिस ड्यूटी द चीफ वॉज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दैट वॉज टू गो उनको जाना तय था सो so, जैसे कि अब संयोज इसकी बात हुई है कि साहब दल का पुनर्गठन करना था किसके ऊपर जिम्मेदारी दल का सबसे बड़ा सेनापति जो है कौन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कुछ नहीं बचा है। बिखर बिखर गई गई चीजें। सारी चीजें आपके पास कुछ भी नहीं है मैन दैट वॉज चंद्रशेखर आजाद नॉट कॉट यस आजाद उन लोगों में से नहीं थे जिसको कहते हैं ना कि जो बीमार व्यक्तित्व के थे आजाद वॉज अ मैन अगेन ऑफ ग्रेट उनके पास अगर सैद्धांतिक व्यूज़ नहीं थे माना उनके पास अगर वैचारिक व्यूज़ नहीं थे माना लेकिन उनके पास देश का सबसे प्रथम और उत्कृष्ट विचार था और वो था मेरा राष्ट्र प्रथम कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ इससे बड़ी चीज़ नहीं अरे आज़ाद को समझने के लिए आप उनका बचपन समझिए जिस इंसान को पंद्रह कोड़े पढ़ने के बाद पूछे जाने पर कि तुम्हारा नाम क्या है पिता का नाम क्या है कहाँ रहते हो जो अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बतला सकता है जो अपना पता जेलखाना बता सकता है जो अपना खुद का नाम बनता था आजाद बता सकता है उससे बड़ा संयोजन करता संकलन करता उससे बड़ा पुनर्गठन दल का और कोई भी नहीं कर सकता था चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर तिवारी से बने और चंद्रशेखर तिवारी से आज़ाद कैसे बने उसके पीछे भी एक विचार था वह विचार था इस भारत देश का देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमेशा हमारे सामने आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट क्या था मोहनदास करमचंद गांधी जब फ्रेम में आते हैं तो साहब ये चीज़ बोली गई या फिर इस चीज़ का आह्वान करा गया कि वी विल साइलेंटली अपोज ऑन अ डायरेक्ट फ्रेम टू ब्रिटिशर्स हुआ भी सारे क्रांतिकारी एक साथ हुए उस समय देवर ऑल लाइक वेरी यंग

ठीक यार थिंग्स आर गोइंग टू भी शॉर्टेड अब चीजें अपन को मिलने वाली हैं. क्योंकि असहयोग आंदोलन में वो पावर थी बात yes. थी हमें yes. सब कुछ छोड़ रहे हैं आपका yes. हमें आप नहीं चाहिए ना आपकी सोच ना आपका पहनावा exactly. खान पान ना तौर तरीका exactly. ना जीवन exactly. वी आर सेल्फ सफिशियंट जो कि एक बहुत ही बड़ा थॉट होता है किसी भी चीज का इंडिपेंडेंट होने का सेल्फ सस्टेनिंग एंड खुद की आइडेंटिटी पर गर्व होना खुद की कल्चर uh, पे खुद के लाइफ स्टाइल पे सो आई थिंक वही एक पूरा क्रक्स था वो एक पूरा थॉट था yes. असहयोग आंदोलन का और जब वो बिखरा चौरा चौरी के कारण जब गांधी जी ने उस पूरे आंदोलन को वापस ले लिया तो सबको लगा कि ये तो खत्म हर क्रांतिकारी के जो क्रांतिकारी उनका विचार था वो खत्म हो गया ऐसा लग रहा था यार अब 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 who will lead us? वापस इसको समेटने में, में कैसा समय लगेगा कौन ऐसे काम नहीं चलेगा we'll आजाद इज वन ऑफ अगेन द बिगेस्ट एचएसआरए आप संपूर्ण एचएसआरए को समझिए अगर आपने आजाद को त्याग दिया तो ऐसे की नींव बची नहीं एक बहुत अहम हिस्सा बाहर हो जाएगा एक्जैक्टली exactly. आजाद वॉज हैं ना मैंगो फ्रूट मैंगो फ्रूट ऑलवेज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अगेन येट जैसे मैंने बताया सिद्धांतिक वैचारिकता रूप उनमें ना हो लेकिन उनका सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि मेरा राष्ट्रपथम है उसके लिए मुझे क्या योजना बनानी है कैसे बनानी है कैसे करना है दैट वॉज डन बाय आजाद साहब आपका काकोरी एक्शन हो चुका है सारे कॉम्रेड्स जो एचारे के थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं जो गिरफ्तार नहीं भी हुए हैं वो इधर हैं उधर हैं इधर है पता ही नहीं है नाउ देयर कम्स द लाइट ऑफ चंद्रशेखर आजाद कि उन्होंने इस चीज को पुनर्गठन करने की कोशिश करी सारे क्रांतिकारियों को कॉल आउट करा धीरे धीरे दल को फिर से पुनर्संगठित करने की कोशिश करी पर्चे बांटे गए यस yes, हर चीज हुई लेख लिखे गए लोगों में इस चीज का वातावरण फैलाया गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं बट आजाद वॉज नॉट गेटिंग सक्सेसफुल इन दैट और तब भगत सिंह की मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद से कानपुर में बिल्कुल भगत सिंह मिलते हैं अन्य क्रांतिकारी मिलते हैं दल का फिर से पुनर्संगठन होता है अब देखिए जैसे हमने वेदों मंच जो वेद होते हैं या मंत्र होते हैं इनके उच्चारण की जब भी हम बात करते हैं अच्छे सारे से पहले टू बी वेरी स्पेसिफिक नाइनटीन ट्वेंटी फाइव से पहले टू बी वेरी एब्सोल्यूट ऑनेस्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन से पहले इट सपोज जितनी भी फांसियाँ हुई दे वो अधिकतर बेस्ड ऑन द आस्पेक्ट ऑफ गॉड इन एंड अराउंड गॉड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल विद द वेद अशफाकुल्ला खान विद द कुरान वी आर सिटिंग इन महाराष्ट्र द पायस मिट्टी ऑफ महाराष्ट्र विष्णु गणेश पिंगले जब उनसे पूछा गया कि साहब आखिरी शाह क्या है यही कि की साहब कुंडी खोल दो ईश्वर से प्रार्थना करनी है और आखिरी

जैसे कि हम भगत सिंह की जब हम बात करते हैं राज तो भगत सिंह तो डिफरेंट ब्रीड जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं ना कि सारी दालें रखी हुई हैं यह बहुत सुंदर कण है दैट वॉज भगत सिंह भगत सिंह चेंज द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ एच आर तो ए टू बी स्पेसिफिक एच आर ए साहब एक क्रांतिकारी सी आई डी के होने पर एक गुप्त संगठन बुला रहा है उस गुप्त संगठन में से वो क्रांतिकारियों को बुला रहा है फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में

हर उस कण पे विश्वास करते थे मगर हर उस कण पे जैसे विश्वास की बात होती है उनके साथ विश्वासघात होता रहा आजाद अ डिफरेंट करेक्टर माई फ्रेंड ने सारे आजाद नेवर पोटरेड आउट इज फीलिंग्स नेवर एवर पोटेड आउट फीलिंग्स। फर्म मैन यस फर्म मैन अब हिसाब लगाइए जिस दल के पास खाने तक के ढंग से पैसे नहीं है उस दल में चंद्रशेखर आजाद दो सौ से तीन सौ दंड बैठक करते थे अपने शरीर को बलिष्ठ रखते थे सो एज नॉट टू इंश्योर इस बॉडी सो एज टू इंश्योर दैट माई बॉडी गेट्स फिट फॉर दिस नेशन जो ठंड में भी सिर्फ एक साधारण वस्त्र पहन के घूमते तो सो एज टू इंश्योर कि हिसाब जो मेरे बाकी अन्य कॉम्रेड्स हैं ना उनको सब कुछ मिले एंड दैट इज वाई ही इज कंसीडर्ड एज द सेनापति सो देखिए हमेशा ये सवाल आता है एच एस आर ए क्या है एच एस आर ए है संघर्ष का दूसरा नाम प्रतीक का दूसरा नाम और जिसको कहते हैं ना एक वीरगति का दूसरा नाम अब ने क्यों बोला एच एस आर ए के दल में कैसे कैसे क्रांतिकारी रहे हैं इन चीज को समझने की कोशिश करिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थ्री ऑफ देम अटेन द ग्रेटेस्ट 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 गिफ्ट ऑफ देयर लाइफ दैट वाज फांसी विच बिलीव्ड इन पंडित चंद्रशेखर आजाद ही सैक्रीफाइस हिज लाइफ फाइटिंग द ब्रिटिशर्स हम बात करते हैं भगवती चरण वोहरा की दबन सेक्रीफाइस इज एट रावी जो तट था उसके पास बम का प्रशिक्षण करते वक्त हस्बैंड दुर्गा भाभी यस yes. शालिग्राम शुक्ल जो पुलिस से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए महावीर सिंह जो काला पानी में वीरगति को प्राप्त हुए दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एच हर क्रांतिकारी के हर एक क्रांतिकारी के एवरी बड़ी ऑफ देम हेड अ इमोटल आस्पेक्ट इन देर लाइफ वी ऑफन से हम ऑफन इस चीज के ऊपर बात करते हैं सुनते हैं समझते हैं कि साहब भगत सिंह को शादी नहीं करनी थी जो अधिकतर हमने मूवीज में देख लिया है देर वॉज वन वो पर्सन इन द डेरिवेटिव ही वॉज महावीर सिंह राठौड़ महावीर सिंह राठौड़ कौन थे वन ऑफ द मोस्ट येट अगेन प्रोलफिक नेम्स विद द हिस्ट्री ऑफ टाइम विद्री ऑफ भारत बट ये अगेन वी हैव लॉस्ट हिम क्या है उनका किस्सा क्या है उनकी नींव इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे महावीर सिंह राठौड़ जिस क्षेत्र से आते थे शाहपुर टहला उस जगह का नाम है कासगंज एटा जिला उत्तर प्रदेश आज का समय अब इस चीज़ का आज भी खेद है आज भी बुरा लगता है कि साहब महावीर सिंह भी इस चीज़ को बतलाते हैं अपने संस्मरणों में जो उन्होंने शिव वर्मा ने एक पुस्तक का जिसको कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने लेख लिखा पुस्तक का नाम था संस्मृतियाँ जिस जगह से वो आते थे साहब वो जगह कानपुर के बहुत पास थी जिस गांव से वो आते थे वो गांव ना ही उस समय डेवलप्ड था और ना ही आज डेवलप्ड है सो वी हैव पेड द ग्रेटेस्ट ट्रीब्यूट टू हिम क्या कि हमने कुछ भी नहीं करा और महावीर सिंह ने इस देश को क्या क्या दिया जैसे मैंने बताया कि भगत सिंह का एक डेरिवेटिव चला है अधिकतर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स या जो भी फिल्म बन रही है वो दिखाते हैं कि साहब भगत सिंह को शादी नहीं करनी थी अब इनका क्या किस्सा है इस चीज को समझने की कोशिश करिए डीएवी कानपुर की जब हम बात करते हैं डीएवी कानपुर क्या था डीएवी कानपुर वॉज द अड्डा ऑफ क्रांतिकारी जहां पे क्रांतिकारी आके विचार करते थे कि साहब काकोरी के जितने अभियुक्त थे उनको छुड़ाना कैसे है हिसाब लगाइए एक हॉस्टल में एक छात्रावास में क्या हो सकता है लोग बातें करेंगे कि आज आज ये चलते हैं आज वो खाते हैं आज पापड़ी चाट खाते हैं आज ये करते हैं आज वो करते हैं यहाँ क्रांतिकारी डिस्कस कर रहे हैं कि साहब अभियुक्तों को कैसे छुड़ाना है और कानपुर को तो हब बोला जाता था ना यस दड्डा ऑफ क्रांतिकारी बोलते थे कि कानपुर में ऐसा होता yes, है कि क्रांतिकारी और पुलिस वाले आंख में चोली खेलते हैं खेलते हैं ये आंख मिचोली उनका फेवरेट गेम था दैट वॉज एच एस इज हाउ यू डिफाइन एच एसरे आप डी कॉलेज के कानपुर छात्रावास में योजना बना रहे हैं

महावीर सिंह राठौड़ के पास अ वेरी जॉली नेचर वेरी जॉली नेचर सी बिल्कुल हमारी तरह इंसान थे लेकिन हमसे एक पल बड़े थे एक पग बड़े थे और वो पग ये था कि जो राष्ट्र की शक्ति उनके पास थी वो हमारे पास आज भी नहीं उनके पास पत्र आता है पत्र में महावीर सिंह राठौड़ पढ़ते हैं कि साहब ऐसा 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 होने वाला है शिव वर्मा के कमरे पे आते हैं और बतलाते हैं कि ये पत्र मेरे पास आया है पत्र में क्या लिखा होता है पत्र में उनके पिताजी महावीर सिंह राठौड़ के पिताजी लिखते हैं कि साहब तुम्हारी शादी तय कर दी गई है तिथि नजदीक है घर वापस आ जाओ महावीर सिंह राठौड़ वॉज टोटली डिस्कस्टेड ऑफ दिस फैक्ट कि साहब ये मेरे साथ क्या हो गया वो शिव वर्मा का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि शिव मेरा इंतजाम कर दो यहाँ से मैं कहीं चले जाऊँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा मैं शादी नहीं कर सकता क्यों नहीं करूँगा अगर मैंने शादी कर ली ना तो एक क्रांतिकारी पथ का सबसे बड़ी खोट होगी दीज वर द वर्ड्स ऑफ महावीर सिंह राठौड़ जब जब नाम भगत सिंह का शादी पर बात आएगी तब तब नाम महावीर सिंह राठौड़ का आएगा शिव वर्मा ने उनको रिस्पोंड करा कि एक काम करना जो तूने मुझसे बोला है पिताजी को रिस्पॉन्ड कर दे चिट्ठी लिख दे उनको महावीर सिंह राठौड़ चिट्ठी लिखते हैं चिट्ठी में लिखते हैं कि प्रिय पिताजी अगर मैं शादी करता हूँ तो शादी मेरे लिए बंधन है एक क्रांतिकारी के जीवन में सबसे बड़ा बंधन जो है महावीर सिंह बताते हैं वो शादी है अपने पिता को देवी सिंह को कुंवर देवी सिंह को पोस्ट कर देते हैं यहाँ पर आपने एक चीज़ समझने की कोशिश करी कि वो पोस्ट कर देते हैं पोस्ट कैसे होगा डाक पे ही पे ही जाना पड़ेगा, डाक जाएगा। तो सोचिए शिव वर्मा भी इस चीज को बतलाते हैं कि कितनी बड़ी गलती हुई हालांकि पत तो पता पता गलती के अलावा वह पत्र वहां पर पहुंचता है उनके पिताजी उसको पढ़ते हैं और पिताजी उनको रिस्पोंड करते हैं क्या मुझे तो लगा था हमारे खून ने गद्दारी को अपना लिया लेकिन तूने आज साबित कर दिया कि साहब यू आर वन ऑफ देम हुईस दिस लाइफ ऑर द नेशन आज भी देशभक्ति और इनके बसता है तीन चीजों को ध्यान रखना कि सदैव इस राष्ट्र के लिए काम करना अपने साथियों को धोखा मत देना और हमेशा 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 अपने दल का रहना और अंततः हुआ भी यही सन उन्नीस में काला पानी में एक जिसको कहते हैं ना एक इस पूरे तारामंडल का सबसे सबसे सुनहरा तारा अंडमान में वीरगति को प्राप्त हुआ काला पानी में वीरगति को प्राप्त हुआ जहाँ पर सावरकर साहब को भी रखा गया था बिल्कुल जहाँ पर सावरकर को भी रखा गया था जहाँ पर बटुकेश्वर दत्त को भी रखा गया था बटुकेश्वर दत्त साहब कितने क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनको काला पानी में रखा गया जिनको काला पानी की सजा हुई बट वी डू नॉट रिक्नाइज द फेसिस जैसे महावीर सिंह राठौड़ हैं वैसे एच है एसारे के अन्य 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 क्रांतिकारी भी हैं जिनके पहलुओं पर बात करना अधिक जरूरी है महावीर सिंह राठौड़ को अगर हम भुला देते हैं

गुट में सभी कॉमरेड्स का एक फादर फिगर बनना था एक मेन्टोर बनना बिल्कुल, था बिल्कुल। और एक सेनापति कमांडर इन चीफ जिसको बोला जाता है वो बना था अब जो भी जिम्मेदारी थी जो भी एक्शन था जो भी कमान थी वो उनके हाथ में थी फिर नए चेहरे आते हैं और यंग चेहरे आते हैं अठारह उन्नीस साल के लड़के भगत सिंह सुखदेव जयदेव कपूर और इनमें सबसे ही यूनिक कैरेक्टर हसनुमा खुश और, और खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का बच्चा बुलाने वाला शिवराम राजगुरु बिल्कुल राजगुरु साहब के बारे में कुछ बताइए राजगुरु येट अगेन जिसको कहते हैं ना कि द्वार के दो दरवाजे होते हैं राजगुरु के अन्य दरवाजे थे राजगुरु को अगर आप एक सिरे से खोलेंगे आपको दिखेगा अरे वाह दूसरे सिरे से खोलेंगे अरे वाह तीसरे <laughs> सिरे से खोलेंगे अरे वाह चौथे सिरे से खोलेंगे अरे वाह दैट वॉज शिवराम हरि राजगुरु सो मेनी लेयर्स यस सो मेनी लेयर्स टू बी डिस्कवर्ड ऑफ दिस ग्रेट ग्रेट इनडोमिटेबल सोल ऑफ नेशन जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे राजगुरु बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ही केम फ्रॉम वेरी 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 स्मॉल टाउन है ना जिसको आज हम राजगुरु नगर में जहां उनका जन्म हुआ था क्षेत्र से आते थे पुणे गए बाद में पे तो क्रांति आंदोलन पर आए राजगुरु वॉज वन ऑफ द पर्सन वॉज वन ऑफ द क्रांतिकारी जिनका सिर्फ एक मोल था मुझे बताओ करना क्या है एक्शन एंड आई शैल डू इट ऑन माई ओन इन टेक दैट वॉज शिवराम हरि राजू बलिदान का प्रथम अंक राजगुरु है और फांसी के लिए उतावले ना वीरगति के लिए उवले न्यूछावर का जो प्रथम प्रतीक है वो राजगुरु हैं उनके बारे में हम खुद ही किस्सा बतलाते हैं कविता लिखते हैं कि इश्क क्या है जानते हो क्या भगत सिंह के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को पहचानते हो क्या दैट वॉज राजगुरु भगवान दास मोहर जो एच आर एच एस के सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे अपनी पुस्तक यश की धरोहर में इस चीज का पाठ करते हैं कि साहब राजगुरु का अगर सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी था या कंपटीशन था भगत सिंह से था जिसे क्लास में कहते हैं ना कि दो होशियार बच्चे हैं तो जो आपस में एक दूसरे से कम्पीट yes. करते हैं फर्स्ट <laughs> और सेकंड आने के लिए यस yes. राइट right? yes. तो वो आई थिंक राजगुरु और भगत सिंह के बीच में था बिकॉज भगत सिंह भी एक ऐसे दीवाने थे कि कि जिनको पता है कि उनकी अंतिम उनका अंतिम चरण क्या है जो की उनकी शुरुआत भी होगी वो है वीरगति वो है फांसी देश के लिए मरमिट जाना और ये बात मैंने पता नहीं शायद आजाद साहब भी कहते थे कि इसमें ना कुछ डिफॉल्ट है राजगुरु में हमेशा मरने के लिए उतावला रहता है इसको भेज दो बस इसको बस वीरगति प्राप्त करनी है देखिए आजाद के बारे में जैसे आपने इस चीज को बताया या फिर इस चीज का उल्लेख करा कि आजाद अब मेंटर थे आजाद अब साथी नहीं थे कार्यकर्ताओं में से नहीं थे बिकॉज तब हमारा सेनापति कोई और था आज हमारा सेनापति आजाद है अब उनको हर एक चीज का ध्यान रखना था पैसे से लेकर दल में कौन कौन लोग हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है कितना जरूरी है कितना नहीं आजाद हमेशा हर चीज का ध्यान रखते थे अब हमने बात करी प्रतिद्वंदी की राजगुरु और भगत सिंह का मेल राजगुरु हमेशा इस कंपटीशन में थे कि साहब अगर शहादत मिले अगर वीरगति मिले तो सबसे पहले मुझे मिले बिना किसी किसी को मिले या ना मिले पहले मुझे मिलना तुम चाहिए तुम मुझे एक्शन बताओ मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तुम मुझे एक्शन दो

जाप केसरी जिनको हम कहते हैं ही वॉज टू कम अप फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द थिंग कि साहब हमको अपोज करना है साइमन कमीशन को जो उन्नीस सौ अट्ठाईस में लाहौर में आता है वो अपोज करते हैं अपोज करते 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 ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से लाठी चार्ज लाठी चार्ज हो जाता है लाठी चार्ज के बाद साहब आफ्टर सम ऑफ डेज अब सेंट्रल कमेटी में ये बात उठती है कि यार ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है पंजाब केसरी जिनको हमने टाइटल दिया है द वन हु रिप्रेजेंटेड नेशन द वन हु रिप्रेजेंटेड द डोमिनियन वन ऑफ द मेजर एलिमेंट नाउ नो मोर भगत सिंह का डिसीजन था सर्वप्रथम कि वी हैव टू डू समथिंग वी हैव टू टेक एन एक्शन बडी वॉज सो एक्साइटेड नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वॉज एच ए सारी दट एवरी वॉज सो एक्साइटेड हम अपन को यह करना है यार वील डू दिस जवाब देना है यस ये कि अपन ये करेंगे और ऐसे करेंगे डिसाइड हुआ कि स्कॉट का मर्डर करा जाए बिकॉज स्कॉट वॉज इन्वाल्व इन लाला लाजपत राय स्कम्बिंग टू डेथ लाला लाजपत राय के जो उनका जो डेथ हुआ उसमें स्कॉट ने ये चीज़ ऑर्डर दी थी अपने फोर्सेस को कि साहब चार्ज कर दो स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया जाए यस yes. ये डिसाइड हुआ कि स्कॉट को कैसे ना कैसे करके गोली मारनी है असासिनेशन करना है अब इस चीज की प्लानिंग बहुत जरूरी है अब आप प्लानिंग की भी अगर हम बात करें तो वो प्लानिंग कैसे होती थी प्लानिंग ऐसी नहीं होती थी कोई भी बंदा आके उसमें बोल दे कि साहब ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो ये चीज डिसाइड करते थे कि वट वी नीड टू पोर्ट्रे अपन पोर्ट्रे क्या करने वाले हैं इससे होगा क्या इसका मैसेज क्या जाएगा हमने स्कॉट को मार दिया फिर वट डज इट इम्बॉडी यस मैसेज क्या है इसका देश को क्या मिला कुछ भी नहीं देश इस स्थिति में था कि उनको इस अपमान का कैसे ना कैसे करके बदला लेना था एंड एचएसआरए वाज द फ्यूल एंड यस इट वाज डिसाइडेड स्कॉट का मर्डर करना है अब इसमें इन्वॉल्व कौन-कौन थे प्रमुख क्रांतिकारी उन लोगों में से कुछ लोगों की कहानियां सुनना व सुनाना जिसको कहते हैं ना जनहित अधिकार उसका निर्वाचन करना बहुत जरूरी है होता क्या है कि साहब ड्यूटी लगती है जयगोपाल की वो ये देखेगा कि स्कॉट कब आ रहा है कब जा रहा है कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है कहाँ है क्यों है कैसे है भगत सिंह वो उस देर राजगुरु वो उस देर चंद्रशेखर आजाद वो उस देर अब आप इस पूरे असैसिनेशन केस में इस पूरे स्कॉट के असैसिनेशन प्लान में समझेंगे कि एच एस आर ए क्या है सबकी भूमिका क्या थी वैचारिकता क्या थी और इनके सारे किस्सों को प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट माई डियर कॉम्रेड्स के साहब ये असैसिनेशन सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं था दिस असैसिनेशन टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री जो गोल्डन वर्ड्स बाद में स्टेटमेंट्स में बोले गए दैट वर बाय द कॉमरेड्स ऑफ भारत असैसिनेशन प्लान होता है चार दिन की प्लानिंग बैठती है हर चीज़ का निर्धारित रूप से पालन करा जाता है ऐसे 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 करना है द थिंग वॉज कि जहां से स्कॉट को आना था जयगोपाल वॉज टू रिकग्नाइज कि क्या करना है, है क्या होना है कैसे होना है क्यों होना है जय गोपाल ने रिकग्नाइज करके बता दिया कि देर इज संबडडी कमिंग आजाद की टुकड़ी खड़ी थी जिसमें भगत सिंह और राजगुरु के थे भगत सिंह और राजगुरु एक तरफ पीछे हो रखे थे इट वॉज लाइक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक जगह लेफ्ट साइड में राजगुरु हैं राइट right साइड में भगत सिंह हैं एक साइड में आजाद हैं जो इनको कवर कर रहे हैं जयगोपाल ने बताया देर इज संबडी कमिंग बट ये चीज बाद में पता लगी किस ट वॉज डिसाइडेड कि हमला तो इसने भी करा था साम्राज्यशाही का एलिमेंट तो यह भी है साम्राज्यवाद का एलिमेंट तो यह भी है नो प्रॉब्लम टू एन ए वील डू दिस नाउ द पॉइंट वॉज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बलिदान का अंक कि बलिदान का अंक क्या होता है बलिदान का अंक यह होता है कि जो उसका मुंशी होता है ना सोंडस का वो भी आ रहा होता है चंदन सिंह चंदन सिंह आगे आगे बढ़ता है मोटरसाइकिल की तरफ सोंडस भी आगे आता है सोंडस इस तरफ से आता है जिस तरफ से भगत सिंह बैठे होते हैं गोली मारने के लिए असिनेट करने के लिए राजगुरु को यह चीज कहाँ मंजूर हो सकती थी साहब कि पहले गोली भगत सिंह मार दे राजगुरु पहले से पीछे से जाके वन शॉट एट वन शॉट एट टाइम द शॉट वॉज गॉन ऑन टू दू दॉ गॉन भगत सिंह लेटर केम अपॉन उन्होंने आठ गोलियां इस्तेमाल करी आठ गोलियां ऑन द बॉडी अकॉर्डिंग टू द प्लान पहली गोली भगत सिंह ने चलानी थी। अगेन की साहब नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता बलिदान के अंक में हम सबसे प्रथम इश्क के किरदार में हम सबसे प्रथम बस इश्क तुम्हारा गुलाब से और हमारा इनकलाब से yeah, yeah. like, यह हो क्या रहा है नाउ द पॉइंट की यह सारी चीज तो हो गई अब राजगुरु ने पे क्या करा जो वो होता है ना जो सेंटर लाइट होता है पिस्टल का किस भगत सिंह के पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी वो साहब गिर जाता है वो उनको लेकर आने होते हैं राजगुरु वॉज टू पिकअप दैट वो, पिक वो आगे जाते हैं एकदम आगे की तरफ वो उसको उठा के लेकर आते हैं आजाद वो सिंह ये कर क्या रहा है भाई इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है चरण सिंह भी वहाँ से आता है बाकी सब भी इट इज़ लाइक एक 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 कॉन्जुगेटेड सब कुछ अचानक से हो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है आज़ाद वॉन करते हैं चरण सिंह को वापस मतलब तू भारतीय मैं कुछ नहीं करूंगा एंड एट द टाइम यस वो वापस आता है एंड आज़ाद हैड टू गिव अ शॉट कुछ नहीं कर सकते थे इसमें जब ये वापस पहुँचते हैं एक सेफ जगह पर आज़ाद गुस्सा करके बोलते हैं राजगुरु से ये तूने क्या कर रहा था तू वहाँ पे वॉट वर यू डूइंग एट द प्लेस जब तुझे पता है कि एवरी थिंग इज डन द एक्शन हैज़ बिन डिस्प्लेड तुझे उसको लेने की क्या जरूरत थी ही सेड कि वो गिर गया था तो लेकर आ गया एंड दैट इज सॉटेड एंड आजाद वॉज लाइक like कि वो जैसे भगवान दास मोहर अपनी पुस्तक में बताते हैं कि मन ही मन में आजाद प्रशंसा तो कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ना का एक भोग झेलना पड़ा कि ये तू क्या कर रहा था इट वॉज लाइक राजगुरु वॉज वन ऑफ द मोस्ट जॉली कैरेक्टर्स देखो समझो ना काकोरी से राजगुरु ने क्या सीखा कि किसी भी चीज से हम पकड़ सकते हैं CID किसी भी चीज से पकड़ सकती है हो सकता है उस मेटल के जरिए से हमें पकड़ लेती आजाद आजाद वॉस्ट टू थिंक कि नहीं यार ये चीज गलत हो रही थी बट राजगुरु टू थिंक कि नहीं साहब मेरे को जाने का है मेरे को लेकर आने का है मैं जाऊँगा उसको लेकर आऊंगा सो दैट एवरी बडी ऑफस ट्रेटर्स हैपन ताकि कोई सुराग ना छूटे ताकि कोई पीछे में क्लू ना छूटे मतलब आजाद साहब के अंदर का क्रांतिकारी मुस्कुरा रहा था प्रशंसा कर रहा था लेकिन वो जो मेंटर थी जो उनकी मेंटर की पदवी थी वो चिंता कर रहा था कि कहीं मेरा yes. कॉमरेड ना पकड़ा जाए इज हाउ मेंटर एंड ऑफिशियल्स वर्क जैसे मैंने बोला ट्रेटर यस yes, अ ट्रेटर जयगोपाल ने गवाही दे दी सारी क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ दैट्स हाउ द केस स्टार्टेड